हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में मास देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि सोल्यूशन के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज जो भी आपने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखाया था उसके सॉल्यूशन uh, प्लीज लाओ तो ये सॉल्यूशन uh, मैंने करा कर रखा है आप देख सकते हैं सोल्यूशन को दिखाने से पहले मैं आप सबसे बोलूंगी प्लीज वीडियो को उसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोज को शेयर कर दो पूरा ठीक है सो so, ये मैंने ये पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन दिखाए थे कि ये सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है ब्लॉक वाइज और यूनिट वाइज मैंने बताया वा हुआ था कि लिमिटेशंस है थ्री लेवल आर्किटेक्चर डेटा डिफाइन डेटा इंडिपेंडेंस ये सब चीज को मैंने कवर uh, करवाया था तो अब बात करते हैं हम उनके सॉल्यूशंस के तो ये पी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा वीडियो को बिना स्किप के देखना क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीडियोस को प्लीज लाइक like कर देना ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि uh, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूट द ऑफ द फॉलोइंग सेट फंक्शन डिपेंडेंसी पूछे जाते हैं हर बार ठीक है आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ वो जैसे कि आप देख सकते हैं समय दो में uh, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर द रिलेशन गिवन ब्लू चेक वेदर फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड और नॉट इसमें आपको बताना होता है क्या कि आप फंक्शन डिपेंडेंसी को होल्ड कर रहे हो कि नहीं वो कैसे चेक होता है देखो जे का जे जो है वो एक्स को भी एक्स दो वैल्यू लेता है एक्स और एक्स इधर वाई और वाई एंड जे जेड और पी ठीक है जिसका जिसमें के के कॉलम में एक्स का मान वन रहता है एक्स का फिर मान वन रहता है इसका मतलब एक्स का मान हमेशा जब आएगा तो वन होगा चेंजेस नहीं होंगे और वाई में भी दोनों के मान देख सकते हैं आप लोग कि वन ही बता रहा है ठीक है तो अब हम क्या कर देखेंगे कि ये जे जेड जो है वो जो है एक ही है और पी भी एक ही है तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है कॉलम के के में या नहीं हो सकता वो हम ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो अब होता क्या है कि अब हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी कि जे इज इन इक्वल के क्या जे जो है वो के के इक्वल है तो ऑफकोर्स आप यहाँ यस लिखोगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? क्यों अब यस मैंने लिखवाया आप ये देखो क्योंकि x का वैल्यू के में एक ही आ रहा है इस वाले में भी एक ही आ रहा है ठीक है और ये y वाला में भी एक ही है ठीक है और ये z में भी और p में भी चेंजेस नहीं है ठीक है अगर यहाँ x वन जो यहाँ वन लिखा हुआ है और यहाँ पे टू रहता तब हम कह सकते थे कि j इज नॉट इक्वल मतलब जे जो है वो इक्वल नहीं है के ठीक है थीके? अब क्या कहता है अगर यहाँ पे भी अगर वाई, वाई है और यहाँ वाई के मान टू या थ्री कुछ भी अदर पॉइंट रहता तो हम कह सकते थे कि नहीं ये यस नहीं है ठीक है गलत है और हम देखेंगे कि क्या जे के जो है वो क्या एल के इक्वल है तो अफकोर्स नहीं इक्वल नहीं है क्योंकि देखो इसमें एल का एल जो है एक एक्स कॉलम में टू मान को रख रहा है ठीक है बट वही एक्स दूसरे बार कॉलम में जाता है तो क्या पुट कर ले रहा है थ्री तो क्या ये J के जो है वो एल के इक्वल है बिल्कुल नहीं है फिर हम देखेंगे कि क्या वाई एक कॉलम में फोर ले रहा है और इसमें थ्री ले रहा है तो क्या ये मैच मैचेबल है नहीं।, नहीं है ये भी वाला नहीं है लेकिन जे और के का था क्योंकि वो एक्स ले रहा था तो ये एक्स में ये भी एक्स वाला में वन ही आ रहा था इस एक्स वाले में भी वन ही सेम वैल्यू डाल रहा था यहाँ पे अगर टू भी होता और यहाँ पे टू होता तो भी चल जाता यहाँ वन वन है तो भी चल जाता ठीक है अब इसमें तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि इसका मान तो ऑलरेडी एक ही है और चेंज हो चेंज हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे भी जे जेड जा, रहता और यहाँ पे टू के बदले फोर होता तो, फोर के बदले टू होता तो हम कह सकते थे कि हाँ है अगर मान लो हम ये Z बना देते हैं और यहाँ देखें कि ये टू है और ये फोर है तो क्या मैचल है तो बिल्कुल मैचेबल नहीं है ठीक है तो ये बात मैंने आपको बता दिया तो आप यहाँ लिखोगे यस ठीक है और जो रिलेशन का जो हमारा वो है क्या कहते हैं उसको जो डेफिनेशन uh, है वो आप डाल देना वो क्लियर uh, हो जाएगा यहाँ पे आप यस yes लिख के जो भी फंक्शन डिपेंडेंसी का डेफिनेशन होता है मैंने लिखवा रखा है और मैं अभी वीडियो जो पीडीएफ दूंगी या मैं अभी वीडियो में बताऊंगी आगे वो उसमें लिखा होगा तो आप डेफिनेशन लिख लेना और यहाँ पे आप क्या लिखोगे नो no, ठीक है और नो no क्यों लिखोगे क्योंकि उसमें भी आप लिख दोगे कि बिकॉज ऑफ नो के बाद बिकॉज ऑफ लिख के बिकॉज Uh, जो रीजन है फंक्शन uh, डिपेंडेंसी का रूल जो है वो आ, यानी डिफिनीशन जो है आप लिख लेना ठीक है नेक्स्ट सो so, इसी तरीके से वो होगा तो आप क्लियरली आप अपना uh, देख लेना ठीक है नेक्स्ट अब मैं दिखाना चाहूंगी वो जो क्वेश्चन थे जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्टली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो की uh, से रिलेटेड uh, है उनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना रट लेना यहाँ पे रिलेशन मस्ट है की क्या रिलेशन में मस्ट होता है की को रहना क्यों वो आप यहाँ वीडियो uh, के में देखिए मैं बताती हूँ एज इट्स अ नेम अ प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस फॉर द टेबल एनी थॉटफुल

वो होना ही होना है ठीक है वीक इंटिटी डू हैव देयर डू डू नॉट हैव देयर ओन एट्रीब्यूट की या कैसे ये क्वेश्चन होता है जस्टिफाई करने के लिए आपको दिया जाता है क्वेश्चन में कि वीक इंटिटी डू हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स की

Uh, कुछ इंडेक्स है उसको आप uh, देख सकते हैं ठीक uh, है प्राइमरी डिफरेंस पूछता है प्राइमरी की प्राइमरी इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स के बीच का डिफरेंस तो आप वो सब देख लेना ठीक है वीडियोस को प्लीज लाइक करते जाओ जो भी आते जा रहा है प्लीज एंड uh, इसमें क्वेश्चन है कि डाटा एप्लीकेशन uh, है सो so, uh, उसको भी आप एडवांचर uh, और डिसएडवांटेज के साथ देख ले मैंने सारे सोल्यूशन इस क्वेश्चन इस पीडीएफ में करा रखा है और एक दो क्वेश्चंस बाकी हैं जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन करवाऊँ सो आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट करके बताना ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप डी में पास होना चाहते हो क्योंकि बहुत लोग का बैक लग जाता है ये सब्जेक्ट में क्योंकि एस वगैरह जो क्वरीज हैं वो लोग को क्लियर नहीं हो पाता है और वो लोग पीछे रह जाते हैं तो ठीक है तो आप बैक नहीं चाहते हो तो प्लीज़ वीडियोस को देखो समझो मैं क्या बता रही हूँ इसमें रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट बताना है डोमेन और एंटिटी इस सब के बीच का रिलेशन क्या है तो आप प्लीज पी को डाउनलोड करो और बनाओ ठीक है और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आप लोग को बनाने में समझने में आसानी हो सैजो पासिंग मैसेज पासिंग ये सब चीज आते रहते हैं तो आपको पूछा जाता है कि नोट्स क्या है ठीक है शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं कि वेब 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 डेटाबेस में पूछ सकता है सैजो पासिंग पूछ सकता है डीबीएमएस पूछ सकता है डीबीएमएस तो मैंने बहुत बार करवा रखा है सो डिस्ट्रीब्यूट डेटा बेस कह सकते हैं फाइल और फाइल uh, सिस्टम और डेटा बेस डी बी एम एस में डिफरेंस पूछ सकता है सो so, तब तक इस आज इस वीडियो को यही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और भी uh, uh, जो भी इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्वाज का डिफेंडेंशी वाला मैं uh, और क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाऊंगी वीडियोज़ को लाइक like कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर बाय बाय एंड स्टे सेफ स्टे हेल्थी